हरियाणा की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। इस राजनीति में बृजभूषण शरण सिंह ने भी एंट्री ले ली है। अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मुझे बदनाम किया। यह बात डुमरिया डी स्थित महाराजा देवी वक्स सिंह स्मारक संस्थान में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन कार्यक्रम में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि पहले मैं यही कहता था, आज पूरा देश कह रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि 1996 में मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था तो मेरी पत्नी केतकी सिंह सांसद हुई और 2023 में षड्यंत्र हुआ तो मेरा छोटा बेटा करण भूषण सिंह सांसद बना। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं 1991 से सांसद हूँ, पहले कोई मेरी सेल्फी नहीं लेता था, पहलवानों की इस घटना के बाद से सब लोग सेल्फी लेते हैं। अब जब से मैं दिल्ली जाता हूँ तो हीरो हीरोइन साधु संत और अन्य लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। पूर्व सांसद ने कई बार दोहराया कि अगर वह बदनाम हुए तो नाम भी हुआ। अब लगातार सेल्फी का दौर चल रहा है। एमएलसी अवधेश कुमार उर्फ मंजू सिंह ने संबोधन के दौरान कई बार सांसद के आंखों से आंसू आए और मंच पर कई बार गमछे से आंसू पोंछते हुए नजर आए। एमएलसी ने कहा, जैसे कि एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी होती है, वैसे ही उस वक्त सांसद जी ने कहा था कि दिल्ली में पहलवानों का धरना कांग्रेस प्रति आंदोलन है। इस आंदोलन की कलाई और परत अब धीरे धीरे खुलने लगी है। उस आंदोलन के जनक अगुआ की मंशा सामने आ गई है, वह किस मकसद से धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आपका गौरवशाली नेता यानी बृजभूषण शरण सिंह समाज की नज़र में पहले भी पाक साफ था, आज भी है और कल भी रहेगा। धरना देने वाले टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे पर भटक रहे हैं। एमएलसी ने कहा कि जिनका बेटा सांसद वो विधायक हो गया, उन्हें सोच लेना चाहिए कि अब आराम करें, लेकिन नौजवान के भविष्य को संवारने के लिए आज भी वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में न रहते हुए भी समाज सेवा में सक्रिय हैं। पूर्व सांसद ने छात्रों से कहा कि डायरी बनाएं और अपनी दिनचर्या तय करें। पहले से ही यदि दिनचर्या तय हो तो समय की बचत के साथ ही लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। डायरी में एक पल पल का हिसाब होना चाहिए जिससे हमें पता चले कितने समय का हमने सदुपयोग किया और कितने समय का नुकसान। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।